वेलकम स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। देखिए, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स जो है वो बेसिकली नौ है यहाँ पे, और हम नौ की नौ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे, जिनके नाम है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट प्रायोरिटी सीपीयू शेड्यूलिंग, राउंड रॉबिन, मल्टी लेवल क्यू, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग, फेयर शेयर शेड्यूलिंग, रियल टाइम शेड्यूलिंग। और हम खासतौर पे इस टॉपिक के साथ हर एक टॉपिक को जब सब टॉपिक पढ़ाते जाएंगे तो हर एक के साथ एक छोटा छोटा उसका न्यूमेरिकल भी कराते जाएंगे, और आखिर में जब ये पूरा टॉपिक खत्म हो रहा होगा तो लास्ट में आपको दसवें नंबर पे मिलेंगे सीपीयू शेड्यूलिंग के न्यूमेरिकल्स, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, गेट के परस्पेक्टिव से, और तमाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के परस्पेक्टिव से, कि सीपीयू शेड्यूलिंग के एल्गोरिथम्स जितने मैं आपको बताऊंगा वो आपको बिल्कुल ये समझिए कि इसके बाद आपको कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो कुल मिला के एक एक करके हम सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम देखेंगे। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, नाम से समझ में आ रहा है कि जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, मतलब बहुत सारी प्रोसेस है जिनकी सबसे कम टाइम ले रही है उनको पहले निपटाओ। जैसे हम कहते हैं ना, शादी में खाना तो भाई बच्चों को पहले खिला दो, ये छोटे हैं इनका जल्दी हो जाएगा, तो वही है कि छोटा जो होगा उसको पहले ले लो। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम, मतलब जिनका टाइम सबका कुछ का हो गया, कुछ का नहीं हुआ, कुछ का आधा हुआ, कुछ का बहुत सारा बचा है, कुछ का जिनका बचा कम है, मतलब जॉब की बात नहीं कर रहा, जिनका टाइम कम बचा उनको पहले ले लो। प्रायोरिटी, मतलब जो भी आपके फैमिली में सबसे पहले बुजुर्ग होंगे वो सबसे पहले उनको खाना परोसा जाएगा, तो वही है सीपी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की प्रायोरिटी कैसी रही है। राउंड रॉबिन, मतलब हम एक गोले में बैठ जाते हैं और सबका नंबर एक सेट कर देंगे, जैसे जैसे वो गोल चक्री चलती जाएगी वैसे वैसे काम होता जाएगा, जैसे म्यूजिकल चेयर होती है ना वैसे। मल्टी लेवल क्यू, उसके अंदर क्यू बनती है, फीडबैक क्यू के अंदर भी क्यू बनती है, फेयर शेड्यूलिंग, रियल टाइम शेड्यूलिंग, हम एक एक करके इनके एक एक पहलू एक एक मौजू पे बात करेंगे और एक एक का न्यूमेरिकल्स भी देखते चलेंगे। तो ये है मेरी तरफ से अभी फिलहाल सीपी शेड्यूलिंग का जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स है वो, और अब आप देखते रहिए अगले वीडियोज के अंदर आपको सब्सिक्वेंटली सारे ये चीजें जितनी आपको स्क्रीन पर भी दिख रही हैं ये सारी मिलती जाएंगी। थैंक यू सो मच।